हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि जो व्यक्ति आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, जो इंसान आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, आखिर क्या है उनकी सोच आपसे बात करने को लेकर, आपके साथ के रिश्ते को लेकर। तो वो चीज़ें आज हम टैरो से देखेंगे। आपको बस इतना ध्यान रखना होगा कि आपको अपना पूरा का पूरा फोकस उसी इंसान के ऊपर बनाए रखना है जिनको ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, या उनके बात ना करने के पीछे की सोच को जानना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें उस यूनिवर्स को, डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वैसा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी, hindi tarot deck 222@gmail.com, तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। क्या है व्यूअर्स के पर्सन की सोच जो बात नहीं करना चाह रहे हैं, गाइड कीजिए। रिवेंज, क्या है इस पर्सन की सोच, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, क्या इस पर्सन की सोच। सैक्रिफाइस, जो व्यक्ति बात नहीं करना चाह रहे हैं उनकी सोच बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। इज दिस मी, उनकी सोच बताइए यूनिवर्स। आई वॉन्ट क्राई फॉर यू, आई एम बॉटम ऑफ द डेक है एंड दिस ग्लोटर। तो देखिए, एनर्जीज जब टैरो से कार्ड्स निकाले जाएंगे क्लैरिफाई करने के लिए तब डिस्कस करा जाएगा। ठीक है, नंबर 4 यानी कि अप्रैल मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, जैसे कि इनका बर्थ मंथ हो, आपका बर्थ मंथ हो, आप लोग इस मंथ में मिले थे, बिछड़े थे, 4 साल का रिश्ता था, 4 साल तक रिश्ता चला था, तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलने हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा झगड़ालू किस्म के दिख रहे हैं। एज इन की ना, जैसे एक इंसान की नेचर होती है कि बहुत जल्दी जेलेसी फील करने लगते हैं, किसी से ईर्ष्या इन्हें तुरंत हो जाती है, फिर चाहे इनका उसके साथ कोई भी रिश्ता कैसे भी क्यों ना हो। तो मुझे कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जीज ऐसी दिखाई दे रही है जैसे कि ये कहीं ना कहीं आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन जब जब आप इनसे आगे बढ़ते हो, या जब जब आप अपने फैसले, अपने डिसीजंस, अपने आप को भी ध्यान में रख कर लेते हो ना, तो वो चीज़ें इस पर्सन को बर्दाश्त नहीं होती हैं। वो चीज़ों में ये पर्सन आपसे ही ईर्ष्या करने लगते हैं, ये भूल जाते हैं कि इनका और आपका रिश्ता क्या है, या आपके साथ ये चाहते क्या हैं रिश्ते में, या आपका रिश्ता क्या हो सकता है। तो मुझे कहीं ना कहीं सबसे पहली वजह तो इस पर्सन के ना बात करने के पीछे की दिख रही है इनके नेचर का ऐसा होना। और नेचर कैसा है, काफ़ी ज़्यादा ईर्ष्यालु है ये, काफ़ी गुस्से वाले, काफ़ी जल्दी जेलसी फील करने वाले ये पर्सन हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जैसे आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें इनको ये लगता है कि आपने इनके साथ गलत करा है, एज इन कि आपने इन्हें दर्द पहुंचाया है, आपने कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जो आपने अपने हाथ से छोड़ दी और उसका असर इस पर्सन के ऊपर पड़ा है। जिस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं, या आपसे इन्हें नाराज़गी है, और वो नाराज़गी दिखाने के लिए ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इनके मन में ये चीज़ें हैं कहीं ना कहीं कि भाई आपने इन्हें सेक्रीफाइस करा, या ये जो चाहते थे उसे आपने इतना तवज्जो नहीं दी है, तो डेफिनेटली
ये अब आपसे ना तो बात करेंगे, ना ये आपके लिए रोएंगे, ना ये आपका वेट करेंगे, और ये सब चीज़ें इनकी साइड से बदला होंगी एज अ रिवेंज। ये बदला ले रहे हैं आपसे ना बात करके। तो अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो ना बात करने के पीछे की सोच ये है कि तुमने मेरे साथ गलत करा, तुमने वो चीज़ें करी जो मैं नहीं चाहता था या चाहती थी, और तुमने वो चीज़ें मेरे साथ करी वो तो और भी गलत करा। तो उस चीज़ का बदला ये पर्सन लेने की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं। और ना बात करने के पीछे की वजह एक और दिखाई दे रही है, वो ये कि जो आपने करा है आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, क्योंकि रीडिंग लंबी हो जाएगी इतना डेप्थ में जाने में। तो उस चीज़ के लिए ये पर्सन आपको रिग्रेट फील कराना चाह रहे हैं कि इस चीज़ का अफसोस, इस चीज़ के लिए गिल्टी आपको फील होना चाहिए, और वो आपको तभी महसूस होगी जब ये आपसे बात नहीं करेंगे। तो मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके पर्सन पहली चीज़ तो किसी तरह की जेलेसी आपसे रख रहे हैं, जिसमें आपने या तो इनके साथ को सेक्रीफाइस कर दिया, इनकी बात को सेक्रीफाइस कर दिया, उसे तवज्जो नहीं दी है, तो उस चीज़ के लिए ये आपसे बदला ले रहे हैं। इन्हें रोना आता है, ऐसा नहीं है कि रोते नहीं हैं, परेशान होते हैं, ना बात करने से दिक्कत इन्हें भी हो रही है, लेकिन बदले की भावना में ये पर्सन इस कदर डूबे हुए हैं, इस कदर भीगे हुए हैं कि ये अपने आंसुओं को आपको दिखाना भी नहीं चाह रहे हैं। इवन जैसे आपसे कहना चाह रही हूँ कि तो रोएंगे ही नहीं, ये तो कभी रोए नहीं है आपके लिए, तो वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है एज एन की एक ऐसी एनर्जी होती है कि तुम्हारे लिए मैं रोऊंगा, तुम्हारे लिए मैं रोऊंगी, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं जिद्दी हटीपन वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, जो बात नहीं करना चाह रहे हैं, बेसिकली देखो बहुत इमैच्योर एनर्जी। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पर ये एटीट्यूड लेकर अगर ये चल रहे हैं तो आगे भी दिक्कतें होंगी आपको भी इन्हें भी। और वही चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि कहीं ना कहीं बहुत इमैच्योर एनर्जी है कि अगर आप प्यार में हो, रिलेशनशिप में हो, तो काहे का बदला, काहे की जेलेसी, काहे का रिग्रेट फील कराना, ठीक है, तो वो मुझे दिखा। तो कुछ ऐसी चीज़ तो भाई आपने कर दी है जाने अनजाने में जो इन्हें ना पसंद नहीं आई है आपकी साइड से, ठीक है। रिग्रेट के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की सोच बताइए, गाइड कीजिए बताइए, रिग्रेट के मामले में गाइड कीजिए बताइए यूनिवर्स। टू ऑफ वॉन्ड्स अपराइट एंड बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ सोर्स अपराइट। एरीज लियो एंड सजिटेरियस मेष सिंह एंड धनु राशि एंड जमनाई लिब्रा एंड एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन ना आपको गिल्टी फील कराने के लिए, आपको रिग्रेट फील कराने के लिए अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं, अपने मन में ये उलझने पैदा कर रहे हैं, वो मुझे दिख रहा है एज एन कि ये पर्सन जानबूझकर जैसे आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूर जाकर इन्हें ना तो सुकून मिल रहा, ना शांति मिल रही, क्योंकि ये पर्सन ये सब चीज़ें उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस सोच के साथ कर रहे हैं कि आपको गिल्टी फील होना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी लोगों के केस में आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज हैं। इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपके मामले में इस तरह का ट्रस्ट इशू है कि आपने इनके साथ गलत करा है या आप इनके साथ गलत कर रहे हो। एज एन हो सकता है कोई आपका ऐसा पास्ट का रिलेशनशिप का इंसान इनके सामने आया जिसे आप अटैच नहीं हो, आपका कोई रिश्ता उनके साथ नहीं है, लेकिन इस पर्सन के मन में ये चीज़ें सेट हो गई आपको लेकर कि आप इन्हें चीट कर रहे हो, और इन्होंने इस रीज़न की वजह से आपसे बात करनी बंद कर दी है, और अब ये इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि अब आपको इस चीज़ का रिग्रेट फील होना चाहिए, तो वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो रिग्रेट ये फील आपको कराने के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट दे तो रहे हैं, लेकिन स्टक ये अपने आप को भी बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। उस स्टकनेस की वजह से इस पर्सन के मन में बहुत सारे सवाल है जिसे ये पर्सन रोक नहीं पा रहे हैं अपने आप से, तो ये मुझे दिख रहा है। तो इनकी सोच ये है कि आपने इनके साथ गलत करा, इन्होंने आप पर भरोसा करा, आपने इनका भरोसा तोड़ा, और उसके लिए रिग्रेट आपको फील होगा। तो ये सोच है जो इंसान एक्चुअली में आपसे बात नहीं कर रहे हैं ये यहाँ पर है। रिवेंज के मामले में गाइड कीजिए बताइए, जो व्यक्ति बात नहीं करना चाह रहे हैं क्या है इनकी सोच, यूनिवर्स गाइड कीजिए बताइए।
यहाँ पे आपका आया है एस ऑफ सोर्ड्स, सॉरी पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि एंड लियो की एनर्जी है। तो बेसिकली मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है डेफिनेटली आपके पर्सन की कि बहुत इमेच्योर है, बहुत इमेच्योर एनर्जी इस पर्सन की दिख रही है। जैसे कि आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी हो रही है, जो भी ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं ना, ये पर्सन उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियरली समझा नहीं पा रहे हैं या उसका सॉल्यूशन क्लियरली ढूंढने की बजाय बदले की भावना रख रहे हैं। ये पर्सन अपने अंदर स्ट्रेंथ जगा रहे हैं लेकिन उस चीज़ को लेकर कि ये अपने आप को कैसे थाम सकते हैं, आपसे कैसे अपने आप को दूर रख सकते हैं, आपके बिना या आपसे बिना बात करिए कितने दिनों तक रह सकते हैं, तो उसके लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाते हुए दिख रहे हैं। यानी कि ये पर्सन ना चीज़ों को मैन्युपुलेटिवली डील करने की कोशिश कर रहे हैं खाम खामे। इस रीज़न की वजह से ये चीज़ें इनके मन में चलती रहती हैं कि क्या इन्हें करना है, कैसे बदला लेना है, कैसे इन्हें जो आपने इनके साथ गलत करा है उसे ओपनली सबके सामने लेकर आना है, तो उस चीज़ पर इनका ज़्यादा फोकस बना रहता है, उस चीज़ के लिए ये स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, तो वो मुझे दिख रहा है। आज की रीडिंग काफ़ी कम लोगों से हो सकता है रिलेट करें, लेकिन जो यहाँ पर आया है मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूँ। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है एज गैप हो आप लोगों के बीच में, या ये पर्सन डेफिनेटली जब आप साथ में भी रहते होंगे ना, तो बहुत ज़्यादा इमैच्योरिटी इनकी नेचर में, इनकी सोच में आपको दिखाई भी देती हो तो उसकी भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर दिख रही है। क्या है इस पर्सन की सोच, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। ये आया है आपका हर्मिट रिवर्स्ड में एंड बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ कप्स। वर्गो कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि। बेसिकली इनके मन में क्योंकि इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, इतने सारे बदले की भावनाएं चल रही हैं, इस रीज़न की वजह से ये सोच रहे हैं या ये सोच रख रहे हैं कि जो भी आप लोगों के बीच में रिश्ता था या जो भी आप रिश्ता बनाना चाह रहे थे, ये उस रिश्ते को सेक्रीफाइस कर देंगे, उस रिश्ते को ये छोड़ देंगे, उस रिश्ते को छोड़कर ये कहीं और ही अपनी सर्च में निकल जाएंगे। तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं या वो सोच है इनकी, एज एन आपने मेरे साथ गलत करा और मैं अब इस सपने को या ये जो भी हम सपना जी रहे थे उस सपने को मैं ख़त्म कर दूंगा या ख़त्म कर दूंगी। तो मैंने आपको बोला ना कि काफ़ी ज़्यादा जिद्दीपन मुझे इस पर्सन की एनर्जीज में दिखाई दिया है। तो ये पर्सन जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं ना, बेसिकली उसके पीछे की सोच ये है कि इन्होंने अपनी ये सोच बना रखी है कि मैंने इस रिश्ते को सेक्रीफाइस कर दिया या मैं कर दूंगा या कर दूंगी, और इस रीज़न की वजह से, सोच की वजह से ये बात भी नहीं कर रहे हैं। इस दिस मी के मामले में गाइड कीजिए, बताइए क्या है इस पर्सन की सोच जो बात नहीं करना चाह रहे हैं। चैरियट एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड। कैंसर कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि नंबर 9 यानी कि सितंबर मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। बेसिकली इनके मन में ना ये चीज़ें क्योंकि सेट हुई हुई हैं या इन चीज़ों को इन्होंने इस कदर अपने दिमाग में घुसा लिया है, इस रीज़न की वजह से ये पर्सन ना हर एक चीज़ को जैसे तबाह करने के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो, वो मुझे दिख रहा है। देखिए जैसे कि यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है, जो सपना आपने संजोया, जो सपना आपने बनाया उसे खुद अपने आप से ये पर्सन बिखेर रहे हैं, खुद से उसे तबाह कर रहे हैं, और फिर आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, तो वो मुझे एनर्जी दिख रही है। यानी कि इनकी ये सोच है कि ये जो भी ख़राब हुआ है, जो भी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है, क्योंकि आपका कोई पास्ट का पर्सन आया, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग या ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, और इसीलिए ये पर्सन ना बस आगे बढ़ रहे हैं कि मैंने नहीं, तुमने ये रिश्ता ख़राब करा क्योंकि तुमने अपनी डायरेक्शन बदल ली है। तो वो सोच है इनकी और इसी रीज़न की वजह से आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं। जो सपना आपने संजोया, जो आपने अपनी मेमोरीज इकट्ठी करी, उन सबको जैसे ये पर्सन खुद से अपने हाथों से हटा रहे हों, तो वो यहाँ पर आज की इस रीडिंग में दिखा। ठीक है, थोड़ा बिटर ट्रुथ है लेकिन जानना ज़रूरी है आप लोगों का। आई वॉन्ट ट्राई के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोच है जो बात नहीं करना चाह रहे हैं। आई वॉन्ट क्राई फॉर यू के मामले में क्या है इस पर्सन की सोच, गाइड कीजिए।
टेन ऑफ पेंटिकल्स अपराइट एंड बॉटम ऑफ द डेक है, टू ऑफ कप्स ये भी आपका अपराइट में आया है, ठीक है। टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या एंड मकर राशि एंड कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि एंड बॉटम ऑफ द डेक आपका आया है सिक्स ऑफ सोर्स, लेकिन ये रिवर्स में आया है, ठीक है। देखिए बेसिकली ये पर्सन रोते हैं, ठीक है, आपको याद करके, आपके साथ को याद करके, जितने भी वक्त आप लोग साथ रहे, जितने भी वक्त आपने बहुत अच्छे से खुशी खुशी बिताए थे, वो वक्त को ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद करते हैं। लेकिन ये पर्सन अपना फोकस उस वक्त से हटाकर अपने परिवार के लिए अपनी ईमानदारी निभाने में लगा रहे हैं, वो मुझे दिख रहा है। एज इन जो भी इनका परिवार है, जो भी पेरेंट्स हैं, उनके ऊपर अपनी ईमानदारी निभा के, कि जैसे होता है ना कि लव लाइफ नहीं चली तो अब मुझे अपना फोकस अपने परिवार पर, अपनी फैमिली पे लगाना है, उनको उन्होंने मेरे लिए जो करा तो मुझे अब उनके लिए करना है, तो उस पर ये फोकस लगा रहे हैं, इस सोच के साथ कि रिलेशनशिप में तो मुझे धोखा मिल गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है आपके मामले में कि आपने इनको धोखा दिया है और अभी आपके लिए नहीं रोएंगे, आपके साथ के लिए नहीं रोएंगे, बल्कि उसके ये अपने परिवार को अपना वक्त देंगे, अपनी ज़िंदगी दे देंगे, उन्हें अपनी ज़िंदगी सौंप देंगे। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन को हालांकि मूव ऑन करने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, ये आपको, आपके साथ को ये रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं, और आपको बेसिकली खोना नहीं चाहते, ये पर्सन आपको दूर नहीं करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन अपना फोकस हटाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे आज की इस रीडिंग में एक ऐसी एनर्जी दिखाई दी है जैसे कि ये ना बदला लेने के चक्कर में या चीज़ों को क्लियर करने की बजाय अपने आप को दर्द देने में ज़्यादा टाइम, ज़्यादा स्ट्रेंथ वेस्ट कर रहे हैं। मुझे आज की इस रीडिंग में ये क्लियरली दिखाई दिया है। चलिए ये देखते हैं कि क्या इस पर्सन का अब आपके पास कोई कॉल, टेक्स्ट, कोई एक्शंस आता है या नहीं रिसेंटली, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्केंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए क्या रिसेंटली व्यूअर्स के पर्सन का कोई कॉल, टेक्स्ट या मैसेज आता है या नहीं, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। एस ऑफ सोर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। देखिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है, पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आप तक रीच आउट करें, आपको अपनी बात ये बोलें, जो ये यहाँ पर एनर्जीज आई है, एज इन कि जो इनकी फ्रस्ट्रेशन है, इनका जो गुस्सा है, वो डेफिनेटली आप पर जाहिर कर सकते हैं, आपको बोल सकते हैं, जो इन्होंने अभी तो अपने अंदर ही समेट कर रख रखी है कि मेरे बात ना करने के पीछे की वजह ये है। लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये पर्सन ये चीज़ें आपको मुँह पर भी बोलें, क्लियरिटी दें, जो अभी आप लोगों के बीच में क्लियरिटी नहीं है, उस चीज़ की अपनी साइड से क्लियरिटी दें, आपकी तरफ से मांगे या ना मांगे वो बात तो आप रहने दो, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दिमाग से आपसे बात करेंगे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जैसे आपसे जो बात करेंगे उसमें आपके ऊपर अपना डिसीज़न थोपेंगे कि भाई मैंने ये फैसला ले लिया है, मेरे लिए ये फैसला डिफ़िकल्ट था, लेकिन अब मुझे इसी फैसले के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। तो एक फैसला ये आपके ऊपर थोपेंगे, वो भी मुझे कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जिसमें कहीं ना कहीं आपको ये बोल सकते हैं कि भाई ये वापस नहीं आएंगे, नो टर्निंग बैक एंड ऑल, तो वो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और हालांकि इन चीज़ों में वक्त लगता हुआ भी दिख रहा है, एज एन 3 हफ्ते लग सकते हैं इनका आपकी तरफ कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आते हुए या क्लियरिटी देते हुए, लेकिन काफ़ी रफ एंड टफ होगा, तो आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। आप अगर अपनी बातें समझा पाते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये पर्सन इसी एनर्जीज़ में एक्शंस लेते हुए मुझे दिखाई दिए हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग कि क्या है इनके ना बात करने के पीछे की वजह। चलिए एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं वो और देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्केंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्प्रिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए क्या है व्यूअर्स के लिए गाइडेंस, एंजल्स क्या कहना चाहती हैं इस रिश्ते को लेकर। आस्क योर एंजल्स रिकंसिडर, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, तो बेसिकली देखिए आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि पहली चीज़ तो ये जिस भी रिलेशनशिप के लिए आप देख रहे हैं रीडिंग, उसके लिए आप ना सब चीज़ों को फिर से बैठकर रिकंसिडर करो,
चाहे फिर उसके लिए आपको दूसरों की मदद क्यों ना लेनी पड़े, फ्रेंड्स की, फैमिली की, रिलेटिव्स की, लेकिन डेफिनेटली आपको चीज़ों को रिकंसिडर डेफिनेटली यहाँ पर करना होगा। मदद आपको लेनी है तो वो भी लेनी होगी, लेकिन बिना चीज़ों को रिकंसिडर करे आपको इस रिश्ते में नहीं जाना है। ठीक है, आपसे ये बोला जा रहा है द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन इम्प्रूव होगी, लेकिन आपको ना अब पूरी तरह से सारी चीज़ों की छानबीन करनी है, कैसे आप चीज़ों को समझा पाते हो वो उसकी कैलकुलेशन करनी है, और उसके बाद ही आप इस रिश्ते के बारे में सोचिएगा। सिचुएशन इम्प्रूव होगी, लेकिन आप सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप स्लोली स्लोली लेकर आपको चलना होगा, ये आपसे बोला जा रहा है एंजल्स के माध्यम से। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग कि जो व्यक्ति आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं क्या है उनकी सोच। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय बाय।